तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको एक और ब्लॉग में। दोस्तों आज दशहरा है तो मैं निकल चुका हूँ कहीं मेला देखने के लिए, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सड़क पर काफ़ी लोग मेला देखकर के आ रहे हैं और काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी बाइक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पास ही में पड़ता है चमथा, और मैं वहीं पर जा रहा हूँ देखने। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि माता रानी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा हमको यहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं इस मेला को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीछे मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से सारे काफ़ी दूर दूर तक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भव्य मेला का आयोजन होता है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भोजपुरी के कोई कोई सिंगर यहाँ पर आता है परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि इस वर्ष केला बिहारी आए थे कल नवरात्रि के दिन। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा दुकान लगा हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि भीड़ को तो आप तो देख ही रहे होंगे कि काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। और यहाँ पर देखने के बाद मैं अब निकल चुका हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर भी दुर्गा माता की प्रतिमा बिठाई जाती है, तो वहाँ पर भी मैं देखने के लिए निकल चुका हूँ। यहाँ का डेकोरेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग मेला देख करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग भी मेला का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गली को भी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर से जो चमथा में मेला देखे थे हम लोग, वहाँ से काफ़ी यहाँ पर अच्छा डेकोरेट किया गया है। और चलते हैं आगे देखते हैं कि आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर भी अच्छी तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, और गर्मी के लिए यहाँ पर पंखों का भी प्रबंध किया गया है। और अब मैं अब आपको दर्शन कराने वाला हूँ मूर्ति की है, तो आप लोग देखिए दुर्गा माता की मूर्ति यहाँ पर किस तरह से डेकोरेट किया गया है। उसके बाद चलते हैं इधर और देखते हैं किधर क्या है। जब आए हैं तो किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, सब कुछ को देख लेना है कि किधर क्या है। और इधर जो है सो झूला लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बस दो तीन झूला यहाँ पर लगा हुआ है।